की हत्या और आतंकियों को पनाह देने जैसे गंभीर आरोप लगाकर नया सियासी वॉरबंडर खड़ा कर दिया है। हालांकि आशु ने देर शाम सिखों के आरोपों को झूठा और अपने खिलाफ राजनीतिक साजिश करार दिया, लेकिन सूबे के विपक्षी दलों को एक और मुद्दा हाथ लग गया है। चंडीगढ़ प्रेस क्लब में रविवार को दस्तावेजों के साथ लेकर पहुंचे सिखों ने कहा कि पंजाब की कैबिनेट में एक ही आतंकवादी मंत्री बनकर बैठा है। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए सिखों ने आशु की ओर से 1992 में टाडा के तहत गिरफ्तारी के बाद दिया गया कबूलनामा पढ़कर सुनाया। सिखों का दावा है कि आशु ने अपने माता पिता की हत्या में शामिल अपने ताया को मरवाने के लिए न सिर्फ आतंकियों को अपने घर में शरण दी, बल्कि अपने ही घर में बम बनाने और लुधियाना की गुड़ मंडी में भीड़ भाड़ वाले इलाके में ब्लास्ट करने का सुझाव भी दिया। इसके अलावा तीन मुखबिर महिलाओं की हत्या करने वाले आतंकियों को भी अपने घर में पनाह दी। एक पुलिस अफसर की हत्या करने वाले को भी ठहरने के लिए आशु ने यही जगह उपलब्ध करवाई। सिखों ने कहा कि आशु द्वारा हस्ताक्षरित कबूलनामे में ये सारे सिखों ने आरोप लगाया कि राजनीतिक पहुंच के चलते आशु के खिलाफ कबूलनामे को छुपाया गया है, जिसके कारण तकनीकी आधार पर अदालत ने आशु को छोड़ दिया था। सिखों ने कहा कि आशु के खिलाफ इन सभी दस्तावेजों को लेकर भाव एक बार फिर कोर्ट जाएंगे, मेरी राजनीतिक छवि खराब करने की साजिश आशु। चंडीगढ़ निलंबित डीएसपी बलविंदर सिंह सेखों द्वारा रविवार को चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कैबिनेट मंत्री भारत भूषण आशु पर लगाए गए आरोपों के जवाब में देर शाम आशु ने कहा कि दागी डीएसपी सेखों राजनीतिक कारणों के चलते 30 साल पुराने मामले को उठाने की कोशिश कर रहा है, जिससे उन्हें विधिवत कानूनी प्रक्रिया के बाद ही कोर्ट ने निर्दोष करार दिया था। एक प्रेस बयान में आशु ने कहा कि दागी डीएसपी के झूठ का पुलिंदा उनकी राजनीतिक छवि को खराब करने के लिए हताश प्रयास के अलावा और कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि एक दागी पुलिस अधिकारी ने अब एक मनगणत कहानी रची है जिसमें सच्चाई नहीं है। उन्होंने कहा कि इस तथाकथित खुलासे का समय उसके अपने उद्देश्य के बारे में खुलासा करता है, जिससे वह प्राप्त करना चाहता है कि आशु ने स्पष्ट रूप से कहा है कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है और एक पुलिस अधिकारी जिसे अपने सार्वजनिक व्यवहार के चलते बार बार लंबित किया गया हो पर्दे के पीछे छिप नहीं सकता, जिसे वह झूठ और गलत आरोपों द्वारा तैयार करने की कोशिश कर रहा है। मंत्री ने कहा कि इन शर्मनाक झूठ का जवाब देना मेरे लिए जरूरी नहीं है। आशु ने कहा कि यह बहुत ही शर्मनाक बात है कि मेरे परिवार के एक सदस्य का नाम इसमें घसीटा जा रहा है जो संयोग बस अब जीवित नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरे चाचा जी की एक स्वाभाविक मृत्यु हुई थी। आशु ने कहा कि मैं किसी भी जांच के लिए पूर्ण रूप से तैयार हूँ। उन्हें केवल संपूर्ण कानूनी प्रक्रियाओं के बाद ही निर्दोष करार दिया गया था। सियासी अकाउंट के इशारों को काम कर रहा सेखो। चंडीगढ़ लुधियाना के सांसद रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि निलंबित डीएसपी बलविंदर सिंह सेखो स्पष्ट रूप से अपने राजनीतिक अकाउंट के इशारे पर काम कर रहा है। एक प्रेस बयान में बिट्टू ने कहा कि डीएसपी सेखो अकाली भाजपा नेता का केवल एक मोहरा है और उसकी इच्छा अनुसार काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि डीएसपी सेखो का एकमात्र एजेंडा इन सभी लोगों के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण रखने का है जो लुधियाना का विकास करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि डीएसपी सेखो की प्रेस कॉन्फ्रेंस झूठे बयान और दुष्प्रचार से भरी हुई है, जिससे साफ पता चलता है कि निलंबित डीएसपी अकाली दल और भाजपा में अपने आकाओं से केवल भारत भूषण आशु को बदनाम करने के लिए दिशा निर्देश ले रहा है। सांसद बिट्टू ने कहा कि डीएसपी सेखो विवादों में कोई नया नहीं है। उन्होंने कहा कि उसके विरुद्ध जाली नोटों की छपाई, सार्वजनिक धन के दुरुपयोग, रिश्वत स्वीकार करने के अलावा कई और मुकदमे दर्ज है। यह पहली बार नहीं है इसे निलंबित किया गया है, क्योंकि पहले भी वह अपने पद से बर्खास्त हो चुका है। यहाँ तक कि भाजपा के पूर्व राज्य अध्यक्ष के साथ भी उसके करीबी संबंध थे और फिरोजपुर में उस पर भाजपा नेता के निजी सहायक के खिलाफ दर्ज FIR में सह अभियुक्त था। इससे स्पष्ट होता है कि डीएसपी सेखो अकाली भाजपा नेताओं के इशारों पर काम कर रहा है और वे केवल उसका मोहरा है।